Hello guys, this is your host Mohammad Basam Khan. Welcome to my YouTube channel Basam Khan Live. Today's video topic is how to tie a tie. Firstly, I want to tell you why I chose this topic. मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नोट किया है बात कि बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि टाई कैसे बांधनी है और वो अक्सर औकात अपने दोस्तों की मदद लेते हैं टाई बांधने के लिए, अपने पुलिस की मदद लेते हैं टाई बांधने के लिए और अक्सर औकात उनको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है टाई बांधने के लिए। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया ताकि आपको इसमें मदद मिल सके, आपको टाई बांधना आ सके। मैंने पर्सनली जब टाई बांधना सीखी तो मैं उस टाइम डिप्लोमा करा था, अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा करा था। आप यकीन कर सकते हैं मुझे तब तक 14 आई वाज इन ग्रेजुएशन एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू टाई अ टाई। आज मैं आपको सिर्फ एक ही तरीके से टाई बांधना सिखाऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि हाफ विंडसर नॉट है, फुल विंडसर नॉट है और डबल विंडसर नॉट होती है, लेकिन मैं आपको फुल विंडसर नॉट बनाना चाहिए। टाई बांधने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला स्टेप आपने ये लेना है कि आपने कॉलर को अपने ऊपर करना है। उसके बाद जो शॉर्ट हैंड साइड है वो आपकी आएगी राइट हैंड पे और जो लॉन्ग हैंड साइड है आपकी वो आएगी आपके लेफ्ट हैंड पे। फिर उसके बाद आपने क्रॉस ओवर करना है, जो आपकी लॉन्ग हैंड साइड है वो ऊपर आ जाएगी और जो शॉर्ट हैंड साइड है वो डाउनवर्ड आ जाएगी, नीचे की साइड। उसके बाद आपने एक लूप बनाना है और जो शॉर्ट लॉन्ग एंड साइड है उसको अंदर से, जो आपका सर्कल बना है उसके अंदर से गोल लूप करेंगे, उसके अंदर से पास आउट करेंगे बिल्कुल इस तरह। ये आपके यहाँ पे एक लूप बनना शुरू हो जाएगा। देन अगेन इसको यहाँ से टर्न करेंगे, दूसरी साइड से लूप बनाएंगे और दोबारा इसको अंदर से टर्न करेंगे, गो थ्रू करेंगे ताकि एक और लूप बन जाए। उसके बाद इसको दोनों लूप के ऊपर से घुमाएंगे और ये जो लूप बना है लास्ट थर्ड इसके अंदर से पास आउट करेंगे, इसके अंदर से गुजारेंगे। उसके बाद ऐसा करेंगे तो ये आपकी नोट बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली बटन लगाना है, उसके बाद ऐसे टाइप कर लीजिए, उसके बाद आपने सेट करना है टाई को। आपने चेक करना है कि आपकी हमेशा जो ये लेंथ है ये सेट होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा ये टाई बन चुकी है। आपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी टाई बांधनी है तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमेशा ये जो आपका बटन है, सबसे पहला बटन जो होता है जब भी आप टाई लगाएंगे इसको बंद करेंगे। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो तब भी आपने कोशिश करनी है कि इसको बंद रखना है हमेशा। सेकेंडली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप टाई बांधेंगे ये आपकी जो टाई की लेंथ है हमेशा बेल्ट के बकल तक आनी चाहिए। और लास्ट में आप एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं सिर्फ स्मार्ट लगने के लिए ये कर सकते हैं कि टाई के साथ टाई क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। टाई क्लिप आप लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पे ऐसे टाई क्लिप आएगा। जैसा कि आपने देखा टाई बांध चुका हूँ मैं और इस तरह से आप टाई बांध के एक प्रोफेशनल लुक साइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने टाई बांधना सीख लिया होगा। इस वीडियो में आपको टैग करना है उन लोगों को जिनको अभी तक टाई बांधना नहीं आती, आपने उनके साथ शेयर करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्दर ये कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ न्यू चैनल का, होटल वन लर्निंग कैफे, लर्निंग कैफे बाय होटल वन बाय पल कॉन्टिनेंटल। वहाँ पे आपको होटल वन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं वहाँ पे उसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और उनके फेसबुक प्रोफाइल पे या लिंक्डइन पे जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल सारी वीडियोस आपको उनके चैनल पे मिलेंगी। फर्दर अगर आप एक प्रोफेशनल सीवी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फाइबर का मैं गिग
का लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी एक प्रोफेशनल और गारंटीड आपको उस सीवी का, जब आप उस सीवी को सबमिट करेंगे तो गारंटी है कम से कम अगर आपने 10 जगह पे सबमिट किया है तो आपको 7 जगह से इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनवाएं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पर जाएँ और एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनवाएं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा।